हूँ शालिनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसकी खेती इंडिया में नहीं होती है। इस सुपर फूड का नाम है कीनवा। इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही कीनवा कहते हैं। कीनवा दिखने में तो सीड जैसा है, पर यह ग्रेन है। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ओट्स ग्रेन है, वैसे ही कीनवा भी ग्रेन है, इसलिए इसे सुपर ग्रेन और सुपर फूड भी कहा जाता है। कीनवा में दूसरे ग्रेन्स के कंपैरिजन में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। कीनवा इंडिया में सभी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। कीनवा एक महंगा सुपर फूड इसलिए है क्योंकि इसकी खेती इंडिया में नहीं होती है और ये इम्पोर्ट किया जाता है। कीनवा इंडिया में लगभग 250 से 300 रुपए किलो में आराम से मिल जाता है। अगर आपको कीनवा अपने आसपास के सुपरमार्केट में नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप कीनवा को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। कीनवा में प्रोटीन और फाइबर के अलावा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। पहला विटामिन ई, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन, हेयर और आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विटामिन ई की टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं कीनवा से। दूसरा, इसमें फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों को और दांतों को बहुत मजबूत बनाता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कीनवा नेचुरल फैट बर्नर है, तो आप आज से ही कीनवा को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। तीसरा, इसमें थायमीन होता है, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। अगर आपको बहुत जल्दी थकान फील होती है या वीकनेस फील होती है तो आप कीनवा को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। कीनवा हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमें खूबसूरत और जवान दिखने में हमेशा हेल्प करेगी। चौथा, इसमें जिंक होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और हमें कोल्ड और फ्लू से बचाता है। जिंक बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। पांचवा, आयरन। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जब भी खून की कमी होती है, डॉक्टर सबसे पहले हमें आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आप आज से ही कीनवा अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए और एक महीने में आप अपने हीमोग्लोबिन में फर्क देखिए। छठा, मैग्नीशियम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। आज के इस हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहाँ लोग सो नहीं पाते हैं, सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है या किसी काम में मन नहीं लगता या फोकस नहीं है, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो आप आज से ही कीनवा को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। थोड़े ही दिनों में आप अपने शरीर में और अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। सातवां, कॉपर। कॉपर भी आयरन की तरह हमारे शरीर में खून बढ़ाता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। आठवां, मैग्नीज। अगर आपको BP, डायबिटीज, थायराइड या हार्ट की कोई तकलीफ है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। मैग्नीज आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। नमा, प्रोटीन। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, इन सब की फिटनेस का राज है प्रोटीन। 80% वो है जो हम खाते हैं और 20% वर्कआउट। तो खाने के साथ साथ वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है। आज प्रोटीन मार्केट में सबसे हॉट प्रोडक्ट है। सभी कंपनीज प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाकर करोड़ों रुपए कमा रही है। आज के यंगस्टर्स के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और वो इस पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। जब इतने सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्यों पैक्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो केमिकल से भरे हैं, उन्हें कंज्यूम करें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बहुत सारे नेचुरल ऑप्शंस हैं, जैसे कीनवा,
जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ओट्स, सोयाबीन, चना, छोले और मूंगफली। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी अच्छी हेल्थ और फिटनेस के लिए होल ग्रेन्स और घर का बना खाना खाएं और स्ट्रेस फ्री रहें। हम शायद ये जानते नहीं हैं कि रेडीमेड ब्रेकफास्ट बार या ग्रैनुला बार्स में कितनी ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि हमारे पास या तो टाइम नहीं होता उसे बनाने का या हमारे पास परफेक्ट रेसिपी नहीं है उसकी। टेंशन मत लीजिए, न्यूट्री कुकिंग है आपके साथ। आज न्यूट्री कुकिंग किचन में हम बनाएंगे नो बेक नो शुगर कीनवा बार। इसे बनाने के लिए हमें ओवन की जरूरत नहीं है। ये बार बाजार में कम से कम 50 रुपए की मिलती है, पर ये एक बार घर पर आप सिर्फ 20 रुपए में बना सकते हैं। तो है ना ये फायदे का सौदा, वो भी बनेगी 100% नेचुरल, बिना शक्कर और बिना प्रिजर्वेटिव के। आज न्यूट्री कुकिंग किचन में हम बनाएंगे दो तरह की कीनवा मैजिकल बार्स। कीनवा बार्स बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीनवा बार्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप कीनवा, 1 कप मुरमुरे, 1 कप पीनट बटर और 1/2 कप हनी। हनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए हम सबसे पहले मूंगफली को पैन में सेकेंगे। सेकेंगे जब तक छिलके मूंगफली से अलग ना हो जाए। जैसे ही छिलके मूंगफली से अलग हो जाए, हम छिलकों को साफ कर लेंगे। कीनवा बार्स बनाने के लिए हम सबसे पहले कीनवा को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम 5-7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए हमारे कीनवा ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इसका कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम पैन में डालेंगे पीनट बटर और हनी। और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मेल्ट होने देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पीनट बटर और हनी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कीनवा और पफ्ड राइस यानी मुरमुरे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। अब हम ट्रे को ग्रीस करेंगे। कीनवा बार्स बनाने के लिए हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। कटोरी की हेल्प से हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए ये सेट हो गया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे रोस्टेड पीनट से, जिसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर दिया है। एक बार और कटोरी से प्रेस कर देंगे। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने देंगे। हमारी कीनवा बार्स सेट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए हमारी कीनवा बार तैयार है। एंजॉय करें ये हाई प्रोटीन कीनवा बार। अब हम इसे सर्व करेंगे। कीनवा ओट्स बार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रोल्ड ओट्स, 1/2 कप कीनवा, 1 कप डेट्स यानी खजूर जिसे मैंने डीसीड कर दिया है, और 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स जिसे मैंने बारीक काट दिया है। कीनवा ओट्स बार बनाने के लिए हम सबसे पहले रोल्ड ओट्स को रोस्ट करेंगे। इसे हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये देखिए हमारे ओट्स रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। सबसे पहले कीनवा को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम 5-7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए हमारे कीनवा ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इसका कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम खजूर को मिक्सी में पीसेंगे। हमारे डेट्स का पेस्ट तैयार है। डेट पेस्ट को हम मिक्स करेंगे खजूर और कीनवा में, और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई मूंगफली और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने कटोरी की मदद से इसे सेट कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने देंगे। हमारी कीनवा ओट्स बार तैयार है।
अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे काट दिया है। आप एंजॉय करें कीनवा ओट्स बार। अब हम इसे सर्व करेंगे। आई होप कीनवा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर ट्राई करें ये हेल्दी हाई प्रोटीन रेसिपी और शेयर करें अपना फीडबैक। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ईट राइट स्टे ब्राइट सेव टाइम सेव मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.